Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I have the chairman of All India Council for Technical Education, Mr. Anil Sahasrabuddhe, with me. Last week, Prime Minister Narendra Modi announced a long-pending scheme from AICT, which is starting engineering education in regional languages across many colleges in India. ये एक ऐसी स्कीम है जिसके ऊपर AICT बहुत दिनों से काम कर रहा है और फाइनली ये लॉन्च हो गई है. इस स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, हिंदी, मराठी, कन्नड़ा और बहुत सारी भाषाएं. इसीलिए इस इंटरव्यू को भी हम बायलिंगुअल ही रखना चाहते हैं. वेलकम टू द प्रिंस सर. नमस्कार जी. बहुत अच्छा लग रहा है. जी सर. सर पहले आप हमें ये बताइए कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई रीजनल लैंग्वेजेस में शुरू करने का आइडिया कैसे आया और किस प्रकार और क्यों आया? ऐसा आइडिया तो काफ़ी सालों से वैसे मन में था ही जी, लेकिन इसको एक रूप दिया हमारी नई शिक्षा नीति ने. जी. नई शिक्षा नीति 2020 जो जुलाई 29 को पिछले साल अनाउंस हो गई जी, उसमें मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन जी, और उसके बाद हायर एजुकेशन में भी जहाँ जहाँ हो सके वहाँ हायर एजुकेशन भी अपनी अपनी मातृभाषा में करने की सुविधा होनी चाहिए, ऐसे उसमें कहा गया था जी. तो उसको चालना ज़्यादा मिली. हम ऐसा इनफॉर्मली बच्चों को जब इंजीनियरिंग में आते हैं या किसी भी प्रोग्राम में आते हैं तो 11वीं 12वीं तक यदि वो अपनी मातृभाषा में सीख के आते हैं तो उनको अचानक एक्सीडेंट शॉक जैसे होता है, सडनली सब कुछ अंग्रेजी में हो रहा है, कई शब्द पता नहीं है. तो उनकी जो दिक्कतें आती है उसको सुलभ करने के लिए 3 साल से ही मिनिस्ट्री ऑफ HRD उस समय जी, और IIT मद्रास और IIIT हैदराबाद ऐसे 2-3 संस्थाओं को स्वयं के जो कोर्स है जो इंजीनियरिंग के उसको ट्रांसलेशन 11 भाषाओं में, पहले तो 8 भाषाओं में करने की सूची थी, तो बाद में 11 भी करने की हमने शुरुआत जरूर की थी. लेकिन वो इसलिए था कि जिसको अंग्रेजी में क्लास चल रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो स्वयं का ट्रांसलेशन सबटाइटल के रूप में आ रहा है तो उसको देख के आप समझ सकेंगे दूसरे दूसरे भारतीय भाषाओं. तो उस एंगल से इसको बनाना शुरुआत हो गई थी. अच्छा. तो 3 साल हो गए उसको जी. लेकिन वो स्पीड कम था क्योंकि इसके इमरजेंसी जल्दीबाजी भी नहीं थी जी. जब नई शिक्षा नीति में उसका जिक्र किया गया जी. तो AICT swung into action एंड मिनिस्ट्री आल्सो वाज टेकिंग रिव्यूज ऑफ व्हाट हैपेंड लास्ट 3 इयर्स वी हैव बीन डूइंग इट. तो जो जो कोर्सेस फर्स्ट ईयर के अभी तक नहीं हुए थे उनको प्रायोरिटी देते हुए जी. उनका ट्रांसलेशन स्वयं में ऑलरेडी इंजीनियरिंग के कोर्सेस है जो फर्स्ट ईयर के कोर्सेस है उसका ट्रांसलेशन हमने 8 भाषाओं में शुरुआत में किया बाद में 11 भाषाओं में करने की पहल चल रही है. अच्छा. अब तो 12वीं भाषा भी ऐड कर दी है वो उर्दू भी ऐड की है. अच्छा. तो ये सभी भाषाओं में हमने ये ट्रांसलेशन का सिलसिला जोरदार कर दिया वो चल रहा है. लेकिन साइमल्टेनियसली जब हमने सोचा कि ये पूरी की पूरी शिक्षा भी क्यों ना मातृभाषा में हो सकती है तो हमने अप्रूवल प्रोसेस के समय पे हमारी कमेटी EC काउंसिल ने निर्णय लिया कि इसको हम कर सकते हैं और हमने अनाउंस किया. तो उस एप्लीकेशन को जब इनवाइट किया गया तो 13 कॉलेजेस ने एक्सेप्ट किया है, हमने अप्रूवल भी दिया है और ये 13 कॉलेजेस 5 भाषाओं में अलग अलग राज्यों में, 8 राज्य है लेकिन भाषा 5 है. अच्छा. जो हिंदी भाषी 2-3 राज्य है लेकिन बाकी जो है तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है और वेस्ट बंगाल है. ये 4 भाषा है, यानी बंगाली, मराठी और तेलुगु और तमिल, उसके अलावा हिंदी. ऐसे 5 भाषाओं में टोटल 13 कॉलेजेस में और जो हम कह रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये विषय है, सिविल इंजीनियरिंग, ये 5 विषय में अलग अलग जगह में जी ये प्रोग्राम शुरू हुआ. सो जिस तरीके से अनिल जी ने बताया कि ये इन 5 विषयों में इन राज्यों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई इस साल से शुरू हो जाएगी. सो जो भी स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इस साल से इन रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाई कर सकते हैं. करेक्ट सर? हाँ है, इस साल से पढ़ाई कर सकते हैं जी. तो आप थोड़ा मुझे बताइए कि क्या इसमें एडमिशन की प्रोसेस भी सेम ही है जैसे कि दूसरे कॉलेजेस में दूसरे इंजीनियरिंग कोर्सेज की एडमिशन की प्रोसेस है? या वो सेम है क्योंकि बहुत बार लोगों को लगता है कि ये मातृभाषा में है इसका मतलब जो कॉलेजेस सब स्टैंडर्ड है वहाँ. तो 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा जी. सबसे प्रथम ये कोई भी कॉलेज ये मांग रहा है और हम दे रहे ऐसे नहीं है.
जिस कॉलेज में उस प्रोग्राम नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से एक्रेडिटेड है, यानी क्वालिटी इज ऑलरेडी टेस्टेड, ऐसे जगह के इंस्टीट्यूट ने ही ये चलाना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है और ऐसा ही हमने अप्रूवल दिया है। जी, ऐसे कोई भी कॉलेज जहां एडमिशन कम हो रहा है इसलिए एक अच्छा हमको एडमिशन लेने के लिए सुलभ होगा ऐसे कोई सोच रहा है तो ये गलत फहमी है, उनको जरूर नहीं मिलेगा। जहाँ क्वालिटी है वही हम ये मातृभाषा का भी दे रहे हैं। दूसरी चीज इसमें उससे के साथ जुड़ी हुई है, एडमिशन में भी कोई सब स्टैंडर्ड स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलेगा। जो हमारा प्रोसेस अपने अपने राज्यों में इधर उनके राज्यों की सीईटी होती है, स्टेट स्पेसिफिक सीईटी होती है, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, या ऑल इंडिया लेवल में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और ये भी अभी अपने अपने भाषा में शुरू हो गई है। कुछ कुछ लैंग्वेज नहीं, एनटीए ने तो जेईई को 13 भाषाओं में शुरू कर दिया है, नीट भी शुरू किया है। तो जब छात्र अपने भाषा में अभी परीक्षा ले सक रहे हैं तो उनका क्वालिटी तो सेम लेवल का होगा, जो मार्क्स पाएंगे वो भले अंग्रेजी के बदले में तेलुगु में मराठी में हिंदी में गुजराती में लिख के जब आएंगे तो क्वालिटी वाइज दे आर ऑलरेडी ऑफ द सेम लेवल एज अदर्स, ओनली उनकी शिक्षा मातृभाषा में हुई थी, अंग्रेजी में नहीं हुई थी, इतना ही फर्क है। तो यहाँ भी जो अपनी भाषा में पढ़ के भी आकर ये जबरदस्ती नहीं है कि आपको मातृभाषा में ही सीखना चाहिए। देखिए इसमें सारे पैरामीटर्स हमने ओपन रखे हैं, कॉलेज को भी हमने चॉइस दिया कि आपको यदि चाहते हो तभी अप्लाई करो, तो जो अक्रेडिटेड है अच्छे क्वालिटी के कॉलेज को हमने न्योता दिया तो उन्होंने अप्लाई किया, उनको हमने अप्रूवल दिया तो कॉलेज अच्छा है, फिर वहाँ के टीचर्स भी रेडी है, तभी तो वो कॉलेज ने प्रिंसिपल ने डायरेक्टर ने उनके मैनेजमेंट ने ये निर्णय लिया। जहाँ वो तैयार नहीं है तो वहां तो दे नहीं सकते, तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात होगी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से ही आ रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट्स का भी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ शिक्षा अपनी मातृभाषा में अभी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अ मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स आल्सो आउट देयर हु डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू स्टडी ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, एंड इफ यू अंडरस्टैंड एनी अदर लैंग्वेज, ऑल दीज colleges that are offering regional language courses are some of the best colleges across the country. Correct. And they can be rest assured to let enroll their children in those colleges. Am I right, sir? Absolutely. जी, so coming to another question, sir, जो हमेशा engineering की पढ़ाई की जब बात होती है तो terms जो हैं engineering, medical, सारे technical courses के हमेशा अंग्रेजी में ही होते हैं, तो अब जब दूसरी भाषाओं में ये translation होगा उसमें किस तरीके की चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी, क्या वो टर्म्स भी ट्रांसलेट होंगे या सिर्फ एक जो समझाने का तरीका है सिर्फ उसी को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा? आपने बहुत मर्म का प्रश्न पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी जी, नन ऑफ द साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स आर टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, बिकॉज दे आर एक्चुअली नॉट इंग्लिश टर्म्स, दे आर साइंटिफिक टर्म्स, दे आर टेक्नोलॉजी टर्म्स, सो उनका मतलब हम ट्रांसलेट करने के लिए नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में उसको उसी ढंग से पेश किया जाता है, तो इसलिए हम भी उसको उसी भाषा में यानी जो साइंटिफिक भाषा में, जैसे मैं उदाहरण के रूप में इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, यू नो रिएक्टेंस, ऐसे शब्द आते हैं, इंडक्टेंस है, देन कैपेसिटेंस है, ये सब शब्द है, या स्प्रिंग, मास, डैम्पर, ये शब्द का ट्रांसलेशन कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन हम वो टर्मिनोलॉजी में कोई अंतर नहीं करेंगे, वो ओरिजिनल टर्म जो साइंटिफिक टर्म है उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसको यानी एक्सप्लेन करने के लिए शायद आप थोड़ा सा विवरण देंगे कि इसका मतलब क्या है, हो सकता है वो अपनी मातृभाषा में उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जी, लेकिन टर्म को बिल्कुल उसको चेंज नहीं किया जाएगा। जी सर, दूसरा सवाल मेरा एक आपका ये है, मातृभाषा में पढ़ाई के लिए क्या कुछ पहले के कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि अगर बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है? क्योंकि ये एक जो पॉइंट है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बार बार आ रहा है, जैसे आपने कहा प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में होना चाहिए, उसके बाद अप टू यूनिवर्सिटी लेवल, सो आई मीन देर आर एग्जाम्पल्स, बट कैन यू गिव अस एनी एग्जाम्पल और इलस्ट्रेट एनी एग्जाम्पल विच प्रूव्स दैट टीचिंग इन मदर टंग इज सक्सेसफुल? देखिए जो सीखने का है जी, जो बच्चे को यानी लड़के को लड़की को यानी स्टूडेंट को जो कन्वीनियंट है उसमें सिखाना चाहिए जी।
जिसमें अभी कई लोगों को अंग्रेजी में भी हो सकता है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी के हम खिलाफ है, लेकिन जिसको से हिंदी में ज़्यादा आसानी से समझ में आता है उसको हिंदी में समझाने से जल्दी सीख सकेगा, अच्छा से सीख सकेगा, और जो ओरिजिनल विचार आते हैं मन में दिमाग में वो हमेशा मातृभाषा में आते हैं। जो भी इनोवेटिव आइडियाज आते हैं वो हम बाद में इंटरनलाइज करके ट्रांसलेट करके एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी भाषा का प्रयोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन अंदर से जो इच्छा आती है वो अपनी मातृभाषा में ही आती है। जैसे बहुत जोक भी है, किसी को पीट दिया तो पहले वो अपनी मातृभाषा में माँ का नाम लेता है, तो वैसे ही ये मातृभाषा में हमेशा आइडिएशन होता है, तो इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने अपनी मातृभाषा में इंजीनियरिंग करके बहुत अच्छा कार्य किया है, यानी बाहर के देश के उदाहरण देना है तो जर्मन हो या फ्रेंच हो या जापानीज हो, ये सभी देशों ने, चाइनीज हो, इन लोगों ने अपनी अपनी मातृभाषा में ही टेक्निकल एजुकेशन भी किया, साइंटिफिक एजुकेशन किया, रिसर्च पब्लिकेशन किया, दुनिया भर में कई लोगों ने नोबेल प्राइज तक लिए, तो इसका मतलब वहाँ थिंकिंग नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है, वो वर्ल्ड वाइड प्रूव्ड है कि मातृभाषा में सीखना आसान होता है, अच्छा होता है। हमारे देश में ही करीब करीब इंडिपेंडेंस के आसपास, यू नो प्रायर टू इंडिपेंडेंस, इन द स्टेट ऑफ देन निजाम स्टेट ऑफ हैदराबाद, द इंजीनियरिंग एजुकेशन वाज गिवन इन उर्दू। इट इज नॉट न्यू, दिस इज इन आवर ओन कंट्री आल्सो, और आज भी हमारे कुछ कुछ पॉलिटेक्निक्स में हिंदी में, राजस्थान मध्य प्रदेश वगैरह में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा एजुकेशन होता है, और तमिलनाडु में डिग्री एजुकेशन में भी तमिल में होता है। उसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस में भले वो कॉलेज है इंग्लिश मीडियम में ही इंजीनियरिंग की शिक्षा होती है, लेकिन जब टीचर को स्टूडेंट कुछ प्रश्न पूछता है और उसको समझ में नहीं आ रहा है तो एक्सप्लेनेशन सेकेंड थर्ड ईयर तक भी हमारे फैकल्टी मेंबर अपनी मातृभाषा में आज भी कर रहे हैं, लेकिन वो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन पेपर आंसर बुक उसमें नहीं है। तो इसका मतलब इनफॉर्मली मातृभाषा में इंजीनियरिंग की शिक्षा एक तरफ से हो ही रही है, पूरे फुल फ्लेज्ड नहीं हो रही होगी लेकिन कुछ हद तक तो हो ही रही है। तो देयरफॉर दिस इज नाउ फॉर्मलाइजिंग दैट एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। दूसरी चीज मैंने जो कहा, एक और इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये लोग बहुत बार पूछते हैं कि ये जब ग्रेजुएट होंगे अपनी मातृभाषा में इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज दूसरे राज्यों में क्या होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज का भी इनको शायद दिक्कतें आएगी। तो फिर मैं ये काउंटर क्वेश्चन है कि जर्मन इंजीनियर्स क्या इंडिया में आके नहीं किया, जापानीज इंजीनियर्स ने कुछ इनोवेशन करके यहाँ नहीं आए, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी टर्म्स तो वही है, और ये चारों साल में एक अंग्रेजी का विषय भी ये छात्रों को लेना पड़ेगा। मैं वो पूछने वाली थी कि मतलब अंग्रेजी तो सिखाई ही जाएगी, सिखाई जाएगी अलॉन्ग विद दिस, और कुछ इलेक्टिव यदि उस कॉलेज में प्योरली अंग्रेजी में चल रहे वो भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि सारे के सारे पूरे प्रोग्राम भी उन्होंने उसी में करना चाहिए। जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद एक आध कोर्स में अंग्रेजी में भी करना चाहता हूँ तो उसको रोक टोक नहीं है, वो भी कर सकते हैं, और मूक कोर्सेस है ये अंग्रेजी में बहुत सारे हैं तो वो ले सकते हैं, दूसरे IIT के प्रोफेसर के कोर्स को भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जब चार साल हो जाएंगे तब तक मातृभाषा में सीखने के लिए आसान होगा, इसलिए तो होगा ही, उसके अलावा वो अंग्रेजी में भी काफी हद तक एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो कहीं भी नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया भर में वेरेवर दे गो दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट वेरी इजीली। ओके, तो ये भी उसमें ध्यान दिया गया है। अच्छा सर, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है तो कॉलेजेस ने अप्लाई किया है रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाने के लिए, बट आप लोगों को कुछ स्टूडेंट से किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करने के लिए? अभी तो अभी एडमिशन जब शुरू होगी तभी पता चलेगा जी, लेकिन हम लास्ट ईयर ये जब सिलसिला न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमिटी बनी जी, मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, तब हमने एक सर्वे किया था जो एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहाँ के जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुए सेकेंड ईयर में गए हुए स्टूडेंट, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तो करीब 40+% ऑफ स्टूडेंट्स ने कहा कि यदि हम जब फर्स्ट ईयर में आए तब यदि मातृभाषा में सीखने की सुविधा होती तो हम अंग्रेजी में नहीं पढ़ते, हम तो मातृभाषा में पढ़ते जी, और ये मैक्सिमम परसेंटेज आया तमिलनाडु से और सेकंड आया हिंदी स्पीकिंग एरिया से, बाद में आया मराठी, बाद में आया तेलुगु, तो ऐसे सारे लैंग्वेजेस में
परसेंटेज वेरी हो गया जी, एवरेज इज अराउंड 40+% बट किसी जगह में ओनली 10% स्टूडेंट ने कहा कि हम मातृभाषा में सीखना चाहेंगे, किसी में 60 में भी कहा जी। तो ऐसे सारे जगह से हमने सर्वे, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं यानी वो ऑलरेडी अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में उनको इतनी तो असुविधा नहीं है, वो चल रहा है, सेकंड में गए, थर्ड ईयर में गए, पास हो रहे हैं, इसका मतलब उनको अंग्रेजी भी समझ में आ रही है। फिर भी उन्होंने कहा हाँ। कि यदि हम मातृभाषा में सीखते तो हम इससे भी बेहतर कर सकते थे और हम चाहते थे। अच्छा। और हमको मौका नहीं मिला, कम से कम अब नेक्स्ट जनरेशन को मिलने जा रहा है, ये उनका अभिप्राय था जी। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इज अ रेगुलेशन, टेक्निकल रेगुलेशन बॉडी। इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारे दूसरे विषय हैं जैसे कि मैनेजमेंट एजुकेशन, फार्मेसी एजुकेशन भी सर। हाँ, फार्मेसी और आर्किटेक्चर टेम्पररीली अभी हमारे अप्रूवल के बिना चल सकता है, उनके दूसरे काउंसिल के अप्रूवल से जी, लेकिन जो चाहते हैं तो हमारे भी अप्रूवल के साथ जी। सो ऐसे कोर्सेज भी हैं जो ICT के अंडर आते हैं सर। इससे जुड़ा सवाल मैं पूछना चाहूंगी, इंजीनियरिंग एजुकेशन तो आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया रीजनल, मतलब अभी हो गया है रीजनल लैंग्वेजेस में, क्या आगे भी कुछ प्लान है कि दूसरे जो मैनेजमेंट और दूसरे जो विषय हैं उनको भी रीजनल में चालू किया जाए? सारे सारे जो प्रोग्राम हमारे अंतर्गत आते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं भी आते, जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस के भी एजुकेशन अपनी अपनी मातृभाषा में होना चाहिए, वो आग्रह है, प्रधानमंत्री जी बार बार इसको दोहरा रहे हैं और एक कमेटी जो बनी है सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, वो भी इसमें प्रयास कर रही है जी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपने नहीं पूछा लेकिन मैं बताना चाहूंगा, वो है कि कई बार अपनी मातृभाषा में सिखाने के लिए तो आसान है, फैकल्टी को वो लैंग्वेज भी पता है, वो सब्जेक्ट भी पता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वो पढ़ा सकेंगे, लेकिन छात्रों को क्लास के बाद पढ़ने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसकी कमी थी। तो हमने उसकी भरपाई करने के लिए एक तो वन ऑफ देम इज द ट्रांसलेशन व्हिच आई सेड इन द बिगनिंग दैट MOOCs कोर्सेस अवेलेबल इन इंग्लिश बीइंग ट्रांसलेटेड इन नाउ 8 देन 8 टू 11 11 टू 12 लैंग्वेजेस नाउ व्हिच वी आर अटेम्प्टिंग। सो दिस इज वन एरिया वेयर पीपल विल गेट डायरेक्टली मटेरियल अवेलेबल फॉर रीडिंग After that, you know, exam देना है तो पढ़ाई करें। तो हम original टेक्स्ट बुक भी लिखवा रहे हैं उस भाषा में और कुछ अच्छी अंग्रेजी में जो किताब है उसका ट्रांसलेशन करवा रहे हैं और उसका पूरा फंडिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगले 3-4 साल में जब छात्र फर्स्ट ईयर में आके चौथे साल में जाते रहेगा तब तक उस साल के सारी किताबें ओरिजिनल एज वेल एज ट्रांसलेटेड MOOC कोर्सेस ये सब मटेरियल जब अवेलेबल रहेगा तो छात्रों को पढ़ाई लिखाई करने में कोई असुविधा नहीं होगी जी। 2021-22 की एकेडमिक सेशन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई मराठी, बांग्ला, तेलुगु, हिंदी और तमिल इन सभी भाषाओं में होगी। ये सभी भाषाएं सिखाने का माध्यम होंगी बट स्टूडेंट्स को इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, ये हमें बताया अनिल सहस्रबुद्धे जी ने। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू कृतिका। This is Kritika Sharma signing off for The Print. Please subscribe to our YouTube channel for more such videos.